नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आज हम आपके साथ साझा करेंगे देश के उस हिस्से का दुख दर्द जिसे सबसे शांति प्रिय हिस्सा माना जाता है, सिर्फ देश में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जहां पर जेलें खाली रहती हैं, जहां थाने के पास कोई काम नहीं रहता। और आज देश का वह हिस्सा गुहार लगा रहा है कि उसे बचाया जाए। सेव लक्षद्वीप। जी हां, हम लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं, अरब सागर में बसा भारत का वह हिस्सा जहां पर 36 द्वीप एक साथ हैं। ये 36 द्वीप बहुत छोटे छोटे से हैं। यहाँ के लोग सबसे खुश लोगों में माने जाते हैं पूरे भारत में। सिर्फ 65,000 की आबादी है यहाँ पर। 32 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला है पूरा का पूरा लक्षद्वीप। 36 द्वीपों में से सिर्फ 10 में आबादी रहती है। और देखिए, यहाँ पर जहाँ पर जेलों तक में लोग नहीं हैं, जहाँ पर आपराधिक मामले सबसे कम हैं, वहाँ पर किस तरह से भाजपा के एक नुमाइंदे ने, एक प्रशासक ने कोहराम मचा दिया है। लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि लक्षद्वीप को बचाया जाए। यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या है वह मुस्लिम है, और यह मुस्लिम आदिवासी श्रेणी में आते हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर इस समय केंद्र से, भारत सरकार से, भारत के तमाम लोगों से, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कह रहे हैं कि हमें शांति से जीने दीजिए। आइए देखते हैं कि वह शख्स कौन है, उसका क्या इतिहास है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जिन्हें प्रशासक के तौर पर दिसंबर में केंद्र सरकार ने वहां भेजा था। आइए देखते हैं कि इस शख्स के खिलाफ यह पूरा का पूरा शांति प्रिय इलाका क्यों इतना उत्तेजित है, क्यों लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, क्यों लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों लोग ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया पर यह अभियान चला रहे हैं कि इस शख्स को यहां से हटाया जाए, यह लक्षद्वीप को तबाह करने आया है। लक्षद्वीप जो सबसे खूबसूरत माना जाता है, यहां का पर्यावरण सबसे दुर्लभ है, यहां की जो इकोलॉजी है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। यहां पर लोग बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं, बहुत लंबा इतिहास है इसका। इसका संबंध केरल के साथ सदियों पुराना है, लेकिन यहां पर यह शख्स आता है दिसंबर में। इससे पहले देखिए कि ये कहां थे। इससे पहले वह प्रशासक बनाए गए दादरा नगर हवेली और दमन दीव के, और वहां पर भी इन्होंने वही किया। वहां पर पूरा का पूरा जो इलाका है मछुआरों का, वहां के रहने वाले लोगों का, उनका जीवन तबाह कर दिया। वहां पर बड़े पैमाने पर उनके घरों को ध्वंस किया गया। उसके खिलाफ भी वहां आंदोलन चला। उसके बाद दिसंबर 2020 में इनको जिम्मेदारी सौंपी गई लक्षद्वीप की। तब तक लक्षद्वीप में कोई हंगामा नहीं था, कोई कोरोना नहीं था, कोरोना का प्रोटोकॉल पूरी की पूरी तरह से लागू कर रहे थे लोग यहां पर। इन्होंने आते ही जो प्रोटोकॉल था उसमें छूट दे दी। वहां पे जो जिस तरह से जांच की जा रही थी, तब तक कोई भी केस नहीं सामने आया था। इन्होंने तमाम 14 दिन का जो क्वारंटाइन था वो सारे नियम ढीले कर दिए। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा बिल्कुल दूसरा था। इनका एजेंडा था बड़ी पूंजी को लाना। इनका एजेंडा था टूरिज्म के नाम पर बड़ी पूंजी को जगह देना। यह छोटा सा इलाका है। आप देखिए कि जो तीन चीजें लाए जिस पर बहुत गहरा विरोध है यहां पर। पहला कि जो यहाँ पर जमीन है, उस जमीन पर यहाँ के जो लोगों का अधिकार है, उस पर सीधा सीधा हमला बोला गया, जिस पे हमने वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। वहाँ पे बहुत डर का माहौल है, क्योंकि वहाँ का प्रशासक बहुत पावरफुल माना जाता है। लेकिन वहाँ पे तमाम लोग यह भी कह रहे हैं कि अभी तक किसी भी प्रशासक ने इस तरह का काम नहीं किया। मोदी सरकार 7 साल से केंद्र में है, लेकिन अभी तक इस तरह का हिंदुत्ववादी एजेंडा, बिल्कुल डिक्टेटरशिप, तानाशाही वहां किसी ने भी लागू करने की कोशिश नहीं की। शायद इसी के लिए इन्हें यहां भेजा गया।
क्योंकि जैसा हमने आपको पहले बताया, यह मुस्लिम बहुल इलाका है। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने काम किया कि जो लोगों की ज़मीन है, जो लोगों का अधिकार है, उस अधिकार को अपने पास ले लिया। और उसके तहत हमें दिखाई देता है कि लक्षद्वीप के समुद्र तट पर जो मछुआरे रहते हैं, मछुआरों की झोपड़ियाँ हैं, मछुआरों की पूरी बस्ती है जहाँ पर वो अपने इक्विपमेंट्स रखते हैं, उसे ध्वंस कर दिया गया। उस इलाके को बड़ी पूंजी के हवाले खेल सौंपने का बड़ा नृशंस खेल खेला जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर बीफ बैन लागू किया गया। सिर्फ बीफ बैन ही लागू नहीं किया गया, यहाँ यह कहा गया कि आंगनबाड़ी या सरकारी स्कीम के तहत जो मध्याह्न भोजन मिलता है उसमें नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं दिया जाएगा। यह पूरा का पूरा जो इलाका है यह मांस खाने वाला है, मांसाहारी लोग हैं यहाँ पर, नॉन वेजिटेरियन यहाँ पर प्रमुख भोजन है। यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, मछली होती है और नारियल होता है। तो इस तरह से दूसरा एजेंडा कि शाकाहार को प्रमोट किया जाए, इसकी इन्होंने कोशिश की, जिसका बहुत गहरा विरोध हुआ यहाँ। और इसके साथ साथ जो सबसे खतरनाक चीज़ की, जो देश का सबसे शांति प्रिय इलाका है, वहाँ पर गुंडा कानून लाने की कोशिश की, गुंडा एक्ट। सवाल है कि जहाँ की जेलें खाली हैं, जहाँ मामले ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इनको गुंडा एक्ट लाने की? क्यों कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से UAPA है एक बाकी जगहों पर देश भर में, उसी तरह का कानून यहाँ लागू किया जाए? इसके पीछे लोगों का कहना है कि वे चाहते हैं कि दूसरे ढंग की तानाशाही हो। वह बड़े पैमाने पर बड़ी पूंजी ला रहे हैं, वहाँ पर छोटी डेयरी को बंद करके अमूल को पूरी की पूरी जगह दी जा रही है, और लोग महसूस कर रहे हैं कि लक्षद्वीप को तबाह करने का काम बहुत तेज़ी से उन्होंने शुरू कर दिया। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षद्वीप के एक छोटे से द्वीप में बसे एक ऐसे इंसान से जो सरकारी नौकरी में ही रिटायर हुए, जिनको इस मीडिया में जो लोग लक्षद्वीप गए हैं वे जानते हैं कि वे कितने मददगार हैं। एक एक द्वीप का इतिहास उनको पता है। FG मोहम्मद इनका नाम है। हमने बहुत मुश्किल से कोशिश की इनसे संपर्क करने की। यहाँ हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि लक्षद्वीप में कनेक्टिविटी की बहुत दिक्कत है। यहाँ सिर्फ BSNL चलता है, इसकी राजधानी में सिर्फ एयरटेल कुछ इलाकों में चलता है। भीषण भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि जानबूझ के सरकारी तंत्र ने कनेक्टिविटी को बिल्कुल न्यूनतम पर कर दिया है, ताकि लोग अपनी बात देश दुनिया तक ना पहुंचा पाएं। आइए सुनते हैं मोहम्मद हमें क्या बताते हैं लक्षद्वीप में जो चल रहा है, जो आक्रोश है, उसकी वजह कैसे हम और आप समझ सकते हैं। बहुत खराब है, सबको बहुत मुश्किल फेस कर, जो है नया एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रफुल्ल पटेल का, उनका नया रोल बन रहा है अभी। बहुत सारे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हुआ, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन जो है लैंड के बारे में, एवं हम जो लैंड अभी जी उसी लैंड को भी हमारे से छीनने के लिए जो रेगुलेशन बना रहा है जी। अभी तक तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आया नहीं है, इससे पहले भी। इसी मुद्दे पे हमने बात की न्यूज क्लिक के लिए लिखने वाले राजू कुमार से, जो लक्षद्वीप बहुत बार गए हैं, बहुत गहरा अध्ययन उनका लक्षद्वीप के बारे में है, वहाँ की संस्कृति के बारे में है। और राजू ने हमें बताया कि किस तरह से लक्षद्वीप एक मिसाल पेश करता है कि अलग अलग ढंग से कैसे रहा जा सकता है, वहाँ शराबबंदी का क्या मायने है। और यहाँ आप सबको यह जान के हैरानी होगी कि इतना खूबसूरत इलाका है ये, प्राकृतिक सुंदरता से अटा हुआ। यहाँ पर पर्यटक जाना चाहते हैं लेकिन सीमित मात्रा, सीमित संख्या में, सीमित दिनों के लिए जा सकते हैं। और यहाँ शराब बंद रहती है, शराब बंदी है, और शराब बंदी की बहुत ठोस वजहें हैं। यहाँ यहाँ के लोग कभी नहीं चाहते रहे, परंपरागत रूप से भी यहाँ पे शराब का कभी चलन नहीं रहा। कुछ जगहों पे शराब कुछ रेस्टोरेंट्स में अलाउड है, सिर्फ एक या दो जगह। और आप देखिए कि प्रफुल्ल के पटेल जो गुजरात से पहुँचे हैं, गुजरात वह राज्य जो शराबबंदी के लिए जाना जाता है, और वहाँ
पहुंचकर वे शराब को खुली छूट देना चाहते हैं। उसका कारण बताते हैं कि पर्यटन बढ़ेगा, इसका भी विरोध वहां के लोग कर रहे हैं। सुनते हैं राजू से। लक्षद्वीप एक बहुत ही खूबसूरत और छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी चर्चा अक्सर हम लोग पर्यटन को लेकर के करते रहे हैं, लेकिन इन दिनों यह इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ के जो इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उन्होंने कुछ नए रेगुलेशंस ड्राफ्ट किए हैं जो वहाँ के विकास के नाम पर हैं, और लेकिन वो सारी चीज़ें जो है वो लगभग वहाँ की पूरी जो संस्कृति है, पूरी वहाँ के लोगों के रहन सहन है, उसके खिलाफ माना जा रहा है। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका स्थानीय लोग वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और देखा जाए तो वहाँ के जो जिस तरीके से बिना वहाँ के लोगों से, बिना वहाँ के राजनीतिज्ञों से बातचीत किए, जिस तरह से एक थोपने वाली जो प्रक्रिया है, वह कोई कानून बना करके पहले थोप दिया जाए या फिर लोगों से बोला जाए कि आप आकर के हमसे बात कीजिए, हम तो ये एक रवैया जो रहा है सरकार का, केंद्र सरकार का, तो लगभग उसी तरह के रवैया वहाँ के प्रशासक ने लक्षद्वीप के लोगों के साथ किया है। वहाँ के सांसद भी इस नए रेगुलेशंस के विरोध में हैं, और उनका मानना है कि जो नए रेगुलेशंस यदि ये लागू किए जाते हैं तो वहाँ की जो लक्षद्वीप की संस्कृति है, जो लक्षद्वीप के रहन सहन है, वहाँ के लोगों के बीच के जो सद्भाव है, वो बिगड़ने की संभावना है। तो इसको लेकर के नए जो रेगुलेशंस है, इसको लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में काफ़ी डर है। यदि हम वहाँ के पूरा रहन सहन और संस्कृति को देखें तो सबसे शांत इलाका है, बहुत ही मतलब एक खूबसूरत और बेहतरीन, सिर्फ न वहाँ की ज्योग्राफी है बल्कि वहाँ के लोग भी हैं। वहाँ पर 36 आइलैंड्स में से 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं। वहाँ के मेन बिजनेस जो है या तो शिपिंग है या फिशरीज है, और वो ट्राइबल कम्युनिटी में हैं लोग, लेकिन इस्लाम को मानने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो है लगभग 94-95% लगभग वहाँ पर इस्लाम को मानने वाली पॉपुलेशन है, लेकिन उनका पूरा कल्चर जो है ट्राइबल कल्चर है, और उन सारे कल्चर्स को एडॉप्ट किए हुए हैं, अभी तक वो उन कल्चर्स को फॉलो करते हैं और उसी तरह से रहन सहन करते हैं। वहाँ के लोगों में एक दूसरे में न कोई द्वेष है, न कोई दुर्भावना है। वहाँ पर जेल है लेकिन जेल खाली पड़े रहते हैं क्योंकि वहाँ पर क्राइम नहीं है। ऐसे में वहाँ पर जिस तरीके से रेगुलेशंस बना करके एडमिनिस्ट्रेशन जो है थोपने का काम कर रहे हैं कि वहाँ पर गुंडा एक्ट लागू किया जाए, वहाँ पर बीफ पर बैन किया गया है जो वहाँ के खान पान है, वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए ज़मीन एक्वायर करने की बात की जा रही है, वहाँ पर पंचायतों जी में जो बहुत सारे अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों को छीनने की कोशिश इस रेगुलेशंस के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी विरोध में हैं, और उन्हें डर है कि यदि इस तरह की चीज़ें की जाएगी तो इससे उनके पूरे सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में बहुत ही उथल पुथल होगी, और वो जो सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना जो बहुत हजारों साल से जो सहेज करके रखे हुए हैं, जिसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग जाते हैं, अलग बहुत मतलब बेहतरीन जो कल्चर है वहाँ के, रिच कल्चर है, उस कल्चर को लेकर के वो लोग भारत में अलग, भारत के अलग अलग हिस्सों में उसको प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। वहाँ के महिलाएं बहुत ही आगे रहती हैं, वहाँ महिला हेडेड घर होते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो है उनके उन ताना बाना में एक तरह से सेंध लगाने जैसा है, और वहाँ के लोगों के, स्थानीय लोगों के बिना डिमांड के जिस तरह से रेगुलेशंस बना करके थोपने का काम किया जा रहा है, उन्हें लगता है कि यह एक सांप्रदायिक एजेंडा है, और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं वो लोग कि इसके माध्यम से वहाँ के पूरा आपका पूरा जो है सांस्कृतिक ताना बाना बिखर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो नए रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको एकदम एक तरह से पूरी तरह से वापस लेना चाहिए, और बिना वहाँ के लोगों के कंसर्न के जिस तरह से कानून बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, प्रशासक को भी वापस बुला लेना चाहिए, और जो वहाँ के फ्रेंडली, जो वहाँ के लोगों को जीवन को समझने वाले, जो वहाँ के संस्कृति को समझने वाले जो व्यक्ति हैं, वैसे लोगों को ही वहाँ प्रशासक बना के भेजना चाहिए, और वो जो भय का वातावरण वहाँ बना हुआ है उसको भी खत्म करना चाहिए। यहाँ हमें और आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर लक्षद्वीप को ही क्यों चुना। गुजरात का जो मॉडल है, नफरत का जो मॉडल है, विभाजन का जो मॉडल है,
उसे इस धरती पर उतारने की क्यों सोची प्रफुल्ल के पटेल ने? क्या प्रफुल्ल के पटेल अकेले हैं? बहुत से लोग, बहुत से पत्रकारों से हमने बात की, बहुत से यूट्यूब चैनल चलाने वालों से हमने बात की, वे सब पर्दे पर आकर बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि वह कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं रहा और उन्हें डर है कि इस छोटे से इलाके में अगर उन्हें निशाने पर ले लिया गया तो बाकी कोई बचाने नहीं आएगा। बहुत ज़बरदस्त भय का माहौल लक्षद्वीप में है। The undemocratic and authoritarian decisions of the new administrator is posing serious threats to the everyday life of the island community. Hence, we the people of Lakshadweep earnestly supplicate urgent intervention in this matter. We humbly request that this kind of undemocratic administration should not be allowed to continue in the office. In the best interest of the ecological and cultural diversity of the Lakshadweep Island, we request to call back the current administrator, Shri Prafull K. Patel, and review the administrative decisions he has taken so far to restore a peaceful atmosphere in the island in the greatest national interest. मुझे लगता है और बहुत से बड़े पैमाने पे लोगों को लगता है कि लक्षद्वीप को अलग ढंग से प्रयोग स्थली में बदलने की तो कोशिश है ही, क्योंकि यहाँ पर उनको समझ आता है कि यह मुस्लिम आबादी है। इसीलिए प्रफुल्ल के पटेल यह जारी करते हैं कि पंचायत चुनाव में दो बच्चों से ज़्यादा जिसके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जब हमने यहाँ के निवासियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ज़्यादा बच्चे वैसे ही नहीं हैं, ग्रोथ रेट निगेटिव में जाने को तैयार है। यह सब कुछ चल रहा है दिन दहाड़े, ऐसे समय जब लोग शांति और प्रेम से रहना चाहते हैं। यहाँ तो दो समुदाय के बीच झगड़े की भी बात नहीं है, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल इलाका है। कश्मीर के बाद अगर किसी इलाके में इतना बाहुल्य मुसलमानों का है, और वो भी बिल्कुल अलग ढंग का, क्योंकि ये सब आदिवासी कैटेगरी में आते हैं, इनकी इंडिजीनियस राइट्स हैं, कल्चर है। यहाँ का संगीत देखिए, यहाँ का नृत्य देखिए, महिलाएं जिस तरह का नृत्य करती हैं, जिस तरह का खान पान है वो बिल्कुल अलग है, और वह इस डिफरेंस को बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम जैसे हैं, जैसे हम रहते आए हैं, हमें वैसे ही रहने दिया जाए। हम नहीं चाहते आपका चौड़ी चौड़ी सड़कों वाला विकास, क्योंकि यह लक्षद्वीप को समुद्र के अंदर डुबो देगा। हम नहीं चाहते बड़ी पूंजी, क्योंकि यह बड़ी पूंजी हमारी सुंदरता को नष्ट कर देगी। वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं और हमें सुंदर बने रहने का हक है। शुक्रिया। Thank you.